बड़का भैया की पूरी टीम के साथ में, अभी सुनने में आया कि उन्होंने दो फिल्म का मुहूर्त किया है, तो हमारी तरफ से बड़का भैया टाकीज के पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि इनकी पूरी टीम जी जान से मेहनत करे और ढेर सारा नाम कमाए। जी सर, क्या कुछ आप बोला? नमस्कार, मेरा नाम अमित राजभर है और आज मुहूर्त में हमें बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ बड़का भैया टाकीज के लिए और इनके शुभकामना दे रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्म बने और लोगों तक पहुँचे, जो इनका सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचाया जाए और अच्छे से लोगों को पसंद आए, ये हम शुभकामना दे रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी गुड इवनिंग सर सबके लिए, नमस्ते। मेरा नाम मुरुगेशन है। ये बड़का भैया टाकीज की तरफ से हमको इन्विटेशन मिला, थैंक्स उनके लिए। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एंटायर ग्रुप और इनका जो विश पूरा होने के लिए, सक्सेस होने के लिए हम दिल से प्रे करते हैं। दैट इज शंकर जी को बर्थडे क्या किस तरह से विश करना चाहेंगे? बर्थडे भी एक कुछ मतलब साथ में हो गया, वही दैट इज वेरी गुड, बोथ द थिंग्स आर डूइंग एट द सेम टाइम। उसके लिए भी उनका वही बर्थडे के टाइम उनका विश पूरा होगा, दैट इज आवर प्रे। करेक्ट ना सर? अक्सर हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम लोग यही सोच के बर्थडे विश करते हैं कि अगर आज बर्थडे के दिन का अगर ये कुछ काम शुरू किया जा रहा है तो अक्सर वो बहुत ही सफल होना चाहिए, होता भी है। तो हम लोगों की ढेर सारी विशेष हैं कि जिस तरह इनका हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा है उसी तरह ढेर सारी विशेष इसलिए हैं कि जो प्रोजेक्ट आज शुरू कर रहे हैं बड़का भैया टाकीज की पूरी टीम को, इन्होंने दो फिल्म का मुहूर्त भी किया है, तो इनका इनके बर्थडे के साथ साथ इनकी जो फिल्म है वो भी बहुत ही अच्छे से शूट हो, अच्छे से बने और सबके पास पहुंचे, सुपर हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो, यही ढेर सारे शुभकामनाएं हमारे से। बड़का भैया टॉकीज का जो नाम रखा है इन्होंने, इस पे कुछ करना चाहेंगे? हाँ, बड़का भैया गांव और क्षेत्र और देहात में हम सभी लोग अपने बड़के भैया की बड़े प्रेम से इज्जत करते हैं, ना चाहते भी इज्जत करना ही पड़ता है, हमारा आपका संस्कार यही है। हम लोग जिस क्षेत्र जिस भाषा से आते हैं जिस देश में हैं वहाँ अपने बड़के भैया को बहुत ही इज्जत देते हैं, ठीक उसी प्रकार इन्होंने बड़का भैया टाकीज रखा है, तो इस बैनर को भी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सब इसे बड़ी इज्जत करेंगे ताकि आगे ये फूले और फले, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बड़का भैया। बड़का भैया टाकीज जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग भी टॉकीज सिनेमा के ज़माने से जीते आ रहे हैं, तो ये एक पुरानी चीज़ को नए तरीके से पेश कर रहे हैं बड़का भैया। और बड़का भैया के जो निर्माता हैं, हमारे दो बड़का भैया हैं जो कि अमेकर प्रकाश और जावेद हाशमी जी, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं बड़का भैया को कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बड़का भैया, मेरा नाम सतवीर कुमार है और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और बड़का भैया टॉकीज का आज बहुत ही अच्छा लॉन्चिंग हुआ है, आज बहुत खुशी की बात है। और हमारे बड़े भाई अमेकर का भैया का जन्मदिन है, भैया को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और निर्माता डायरेक्टर जावेद सर जो भी है और एक्टर्स अमेकर भैया, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज बड़का भैया का आज लॉन्चिंग हुआ है और इसमें हमारे अमर भाई का स्पेशल बर्थडे स्पेशल पे लॉन्चिंग हुआ है, तो इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ बड़का भैया को। और बड़का भैया हमारे दोनों हैं और उस टीम से हैं हम लोग, और बधाई यही करते हैं बस अच्छा काम करें। और विभक्त करने जा रहे हैं अभी हम लोग, बहुत सी स्टोरी है। ठीक है, आपका परिचय दे दीजिए। मैं संजय सुमन, डांस मास्टर, इस टीम से ही हैं। वाले बस कोशिश रहेगी सर, अच्छा करेंगे और कंटेंट बहुत अच्छा है, आज के डेट में बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे पहले स्पेशल हमारे अमय जी को स्पेशल बर्थडे बधाई हो और ऐसे ही तरक्की करें और बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे हम लोग, यही कामना करते हैं। बड़का भैया की जय हो। जी मैं शिवम गौड़, एक्टर और सीरियल्स फिल्म सब कुछ चलता रहता है, कहीं ना कहीं शायद आप लोगों ने देखा होगा और आगे भी देखेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो विभक्त होने जा रहा है, एक बहुत ही प्यारा कंटेंट है, मैंने छोटा सा सुना है इसका मेकर जी के उनसे जवानों से, लेकिन बहुत प्यारा कंटेंट है और पब्लिक को बहुत पसंद आने वाला है। मैं चाहूँगा कि इसको पब्लिक अपना खूब आशीर्वाद दे। नफे खान, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर। आज बहुत खुशी की बात है, मेरे दोस्त अजीज अमे का बर्थडे है और बहुत खुशी, उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि आज जावेद भाई और अमे ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की है बड़के भैया टॉकीज। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों को, और खुदा उनको खुश रखे और इसी तरह तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट बनते रहें और हमारे को कास्ट करते रहें। हाय, दिस इज मनोज मल्होत्रा और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं उपस्थित हूँ बड़के भैया टॉकीज की तरफ से, मुझे इनवाइट किया गया है और ये सब मेरे यार दोस्त हैं और जावेद हाशमी जो कि डायरेक्टर हैं दोस्त हैं मेरे, हमियार भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनसे तो मैं खास तौर से बहुत प्रभावित हूँ। इनकी जो लास्ट फिल्म मैंने देखी थी, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इतनी अच्छी भी कोई फिल्म बन सकती है,
तो इन्होंने जिस शॉर्ट पीरियड में वो फिल्म बनाई थी और जो तरीका इन्होंने अपनाया था, ये बिल्कुल रॉक करने वाले हैं. इनको मेरी बेस्ट विशेस हैं. बेसिकली देखा जाए तो इज़ अ वेरी गुड राइटर एंड जावेद भाई भी टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और अमी की राइटिंग इज ऑब्वियसली बहुत अच्छी है बिकॉज दो तीन जो सब्जेक्ट अभी करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स नजरिया और विभंस, तो ये डेफिनेटली अच्छे प्रोजेक्ट हैं और बहुत अच्छी कहानी है और डेफिनेटली रॉक करेंगे इंशाल्लाह आप सब. और नाम भी बहुत अच्छा है जो आजकल यूनिक है और ट्रेंड में भी है, विभत्स एनिमल. तो मैं मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं विभत्स को, एनिमल की तरह ही रॉक करें. ये तो नेचुरली होगा, ये ऊपर वाले की देन है. जवाब तो किसी का क्या आप दोगे, एक अच्छी सिनेमा हर आदमी कोशिश करता है, तो एक अच्छी सिनेमा बनाने की कोशिश है जावेद भाई की और हमें की और हम सब सारी टीम की और यही चाहते हैं कि एक अच्छी सिनेमा बने और एक लोगों को ऑडियंस को एक वॉचेबल सिनेमा दे सके, एक एंटरटेन कर सके, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज एंटरटेनमेंट्स नहीं है, कहीं इमोशंस नहीं है तो कहीं फैमिली गायब है, तो ज़्यादातर बॉलीवुड में यही होता है. तो इस फिल्म में आपको सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी और डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा. बिल्कुल, कोविड के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही एक हम लोग बहुत ख़राब दौर से गुजरे थे, फिर से एक चमक आई है बॉलीवुड में और बॉलीवुड रॉक कर रहा है इस टाइम. तो मैं यही चाहूँगा कि विभत्स इस तरह से विभत्स काम करेगी, बस लोगों के जहन में उतर जाए. सर मैं संजीव बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ विभत्स की पूरी टीम को और विशेष आज अम्मी का जन्मदिन है तो उनको बहुत शुभकामना. मैं पर्सनली उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग और बहुत अच्छे अभिनेता है. बेसिकली सब्जेक्ट आप जान ही रहे विभत्स, तो आजकल आपने खुद ही कह दिया कि एनिमल को लेके विभत्स, तो मैंने सुना है सब्जेक्ट काफ़ी पावरफुल है और अभिनेता अच्छे हैं, तो फिल्म अच्छी बनेगी और फिल्म जब बने तो आप लोग देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए अम्मी को. सर सर्वप्रथम मैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव. सर्वप्रथम मैं महादेव से का बहुत बड़ा मतलब हमारे ऊपर आशीर्वाद है. आपका नाम? मेरा नाम आलोक मिश्रा है और मैं एक अभी इस टीम का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ. हमारे डायरेक्टर जावेद हाशमी सर और हमारे बड़का भैया जो बड़का भैया टॉकीज हमने अभी स्टार्ट हुआ है, तो हमारे बड़का भैया अमेका भैया हैं और इस अभी आज अमेकर भैया के का बर्थडे है और इससे अच्छा शुभ दिन नहीं था कि हम इसको लॉन्च करें, तो इससे इस अच्छे शुभ दिन पे हमने बड़का भैया प्रोडक्शन टॉकीज को लॉन्च किया है. धन्यवाद. और मैम का परिचय बताना चाहेंगे? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु आर यू? How are you? How are you? Who are you? I am Zara. I am from Turkey. My story is my life is a problem. Nice to meet you. I like India. Ji ma'am, say something about the Badka Bhaiya topic. Best! Badka Bhaiya. We say happy birthday, na? Happy birthday. Thank you for everything. You, yes, I am, yes. You. I am alone thinking before for India. I am meeting with this man. Now I am so happy. No time thinking alone. I am every my family right now in India. Thank you, mom. Ma'am, say something about Badka Bhaiya talkies. Badka Bhaiya, more coming, inshallah. I believe more big coming. Yeah. जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या कुछ शुभकामना होगी बड़का भैया को और सर को? नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या बैनर्जी है. पहली बात तो अम्मी को मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे. और जब मैंने सुना कि उन्होंने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने वाले हैं तो आई वाज एक्साइटेड. तो अभी जो है कि प्रोसेस उनका चालू है, आई एम हैप्पी. अभी है कि जो मूवी का है, बाकी जो चीज़ें आगे होने वाली है, तो आई एम वेटिंग फॉर दिस. हैप्पी सक्सेस लाइफ. थैंक यू. यही कहना चाहता हूँ, इसमें इतना टैलेंट है, ये बहुत सालों से मैं इसको जानता हूँ और ये इसकी एक्टिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल और एक गाने बहुत अच्छे लगता है और इसमें एक क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी जो होती है ना सर, तो वो क्वालिटी के हिसाब से इस इंसान में जो क्वालिटी है उसी के हिसाब से ये और आगे बढ़ेगा. और बहुत ही अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि आज इसका जन्मदिन है और साथ में इसकी लॉन्चिंग भी है प्रोडक्शन हाउस की और जो अभी इसकी दो आने वाली मूवी है विभत्स. इसकी स्टोरी मुझे सुनाता था तो मैं इसके साथ में बैठा हूँ सीटिंग में, तो इसकी स्टोरी और जो ट्विस्ट है वो बहुत अच्छा करता है और इसको जन्मदिन की बहुत ढेर शुभकामनाएं. जी सर, आप अपना भी परिचय दीजिए और
मेरा नाम भूपेंद्र बोराना है, मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और आमेकर भैया मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उनके अंदर जैसा कि रवि भैया ने बताया अभी कि क्रिएटिविटी के भंडार हैं ये, इनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, चाहे वो स्टोरी राइटिंग की हो, चाहे स्टोरी किसी स्टोरी को बिल्ड करना हो, स्क्रीन प्ले हो, क्योंकि मैं इनके साथ में कम से कम 3 से 4 साल रहा हूँ तो मुझे पता है ये बहुत ही टैलेंटेड है। और मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि आज इनकी कंपनी की लॉन्चिंग भी है। तो सबसे पहले तो बड़का भैया टॉकीज के लिए आमेकर प्रकाश जी को हार्दिक बधाई और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ बोलना चाहेंगे बड़का भैया और सर के लिए। जी, मेरा नाम निशांत धर है, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं जुड़ा हूँ बड़का भैया टीम से और मैं अमित भाई को पिछले 1.5 साल से जानता हूँ और जब मैंने पहली बार देखा था तो ही मैंने पहचान लिया था इन दोनों ने अभी जो कहा कि बहुत टैलेंटेड है। आप एक सिंपल सा इनको एक छोटी सी स्टोरी दे दो, उसको बहुत अच्छा सीन बना देते हैं वो, बिल्कुल, और आपको दिखा देते हैं वो सीन। तो इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट अमियाकर भाई, और आज जन्मदिन भी है तो उसके लिए भी शुभकामनाएं, और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा दिन होता है ये लॉन्च करने के लिए जी।